Welcome back, and now in this session I will start discussion of paper 2 of mock advanced 2, and first section is multiple choice starting from question 1. ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है. टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 and 3 माइक्रोफराड आर चार्ज टू 150 एंड 120 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली. द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन. ये आपका 2 माइक्रोफराड है, ये 3 माइक्रोफराड है, एंड दे आर कनेक्टेड एज शोन. एंड दिस इज चार्ज टू 150 वोल्ट एंड दिस इज चार्ज टू 120 वोल्ट. The plates of the capacitor connected are shown. An uncharged capacitor of capacity 1 microfarad, iski capacitor 1.5 microfarad, falls to the ends of the wire. Then you have to choose the options. Charge on 1.5 microfarad is 180, or charge on 2 is 120, or positive charge flow. It's basically circuit solve karna hai hame, aur answer batana hai ki kis capacitor pe kitna charge hoga. Options select karne hai. कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये एक पॉइंट बना रखा है. इस ए पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो, बेसिकली हमने इसको कनेक्ट कर दिया. फॉल का मतलब ऐसे ले लो, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो आपको पता है ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. चार्ज फ्लो होगा या नहीं उसके लिए आप पहले चेक कर सकते हो. देखो यहाँ से कहीं, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पोटेंशियल राइज हो रहा है, फिर पोटेंशियल राइज हो रहा है. तो इस पूरे लूप में अगर हम राउंड करेंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अभी इसका जीरो नहीं है, जबकि आपको पता है किसी भी सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए, जीरो. सो ऑब्वियसली चार्ज विल फ्लो. तो मान लिया जाए कि क्यू चार्ज यूं फ्लो कर जाता है, क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है एट अ स्टेडी स्टेट. फाइनली यू विल गेट प्लस क्यू हियर एंड माइनस क्यू हियर. ऑन दिस प्लेट इनिशियल चार्ज इज 300, 2 × 150, 300 माइक्रोकुलम. यहाँ पे आप 300 माइनस क्यू मान सकते हो फाइनल. मैं फाइनली पोलिटी सेम लेकर के चल रहा हूँ. अगर पोलिटी इसकी रिवर्स हुई होगी, इन दैट केस योर चार्ज वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज विल बिकम नेगेटिव, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि ये क्यू की क्या क्या वैल्यू आती है, वो बाद में पता चल जाएगा. अभी मैं इसकी पोलिटी सेम लेकर के चल रहा हूँ. आफ्टर स्टडी स्टेट मैं मान कर चल रहा हूँ कि पोलिटी रिवर्स नहीं हुई है, इसकी भी वही मान करके चल रहा हूँ, ठीक है. तो अभी इसकी चार्ज कितनी है, 360. सो ये हो जाएगा 360 माइनस क्यू प्लस, एंड दिस इज माइनस ऑफ 360 माइनस क्यू. ये चार्ज स्टेडी स्टेट आने तक फ्लो करता रहेगा. अब आप फाइनली स्टेडी स्टेट में आप इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हो. इक्वेशन बनेगी, यहाँ से स्टार्ट कर दें तो प्लस 360 माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस इज 3, फिर वहाँ भी प्लस आएगा 300 माइनस क्यू अपॉन 2, और फिर ऊपर में माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 0. एंड सॉल्विंग कैन गेट क्यू इज इक्वल टू 180 माइक्रोकुलम. ये फाइनली ये क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको सॉल्व करके. और अब आप आंसर चेक कर सकते हो. चार्ज ऑन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज 180 माइक्रोकुलम. ऑब्वियसली ये वैल्यू 180 माइक्रोकुलम आ रही है, दैट मीन्स कि ए ऑप्शन करेक्ट है. चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज 120 माइक्रोकुलम. 2 माइक्रोफराड पे पहले 300 था, 180 माइनस होकर के कितना बचेगा इस पे, 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120. सो अगेन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. पॉजिटिव चार्ज फ्लो थ्रू ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ए से चार्ज यू फ्लो कर रही है पॉजिटिव चार्ज. क्यू की वैल्यू मुझे पॉजिटिव में मिल रही है, दैट मीन्स के चार्ज पॉजिटिव चार्ज यू फ्लो कर रही है. सो सी इज नॉट करेक्ट एंड डी इज करेक्ट. D says that positive charge flows through A from left to right. Positive charge left से right जा रहा है. A point पे positive charge left से right जा रहा है. So option D is correct for this question. Now come to next question. Question number 2. It is from thermodynamics PV graph. ये एक दो स्टेप्स दे रखे हैं. पॉइंट वन है ये, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट थ्री.
वन पे वॉल्यूम है वी नॉट, टू पे वॉल्यूम है एक्स वी नॉट और थ्री की वॉल्यूम है टू वी नॉट एंड दिस प्रेशर इज पी नॉट, दिस प्रेशर इज टू पी नॉट. The algebraic sum of the heat taken up and given out by the gas in the course of process is 7.5 P naught V naught. Total mod of Q delta Q 1-2 ka mod plus delta Q 2-3 ka mod and algebraic sum of the heat taken up and given out by the gas that is given 7.2 P naught V naught. Dono ke delta Q ka ye de rakha hai. ठीक है 7.5 पी नॉट वी नॉट. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 7.5 पी नॉट वी नॉट. इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा जा रहा है तो आप देख सकते हैं आपको कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है और यू का फॉर्मूला क्या होता है एन आर टी अपॉन गामा माइनस वन एंड दैट इज इक्वल टू पी वी अपॉन गामा माइनस वन. सो डेल्टा यू आप आसानी से चेक कर सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल विल बी इक्वल टू 4 पी नॉट वी नॉट माइनस इनिशियल इज पी नॉट वी नॉट upon gas is it is given that monatomic gas so gamma is equal to 5/3 so 5/3 minus 1 so it is 3 × 3 9 p naught v naught by 2 and now jayega ye 3 sorry this is not 2 p naught this is 3 p naught so it will be final will be 6 p naught v naught and initial is p naught v naught so 5 × 3 15 p naught v naught by 2 and this is 7.5 p naught v naught and so option A is correct. Next is the value of x is 4. Chha, B option. C option में देख लें work done by the gas in process 1-2. 1-2 का पहले work पहले हम C check कर लेते हैं. W12 कितना हो जाएगा? That is simply area under this graph. W12 will be equal to for C option. W12 will be equal to 1/2 area of this trapezium. So it is equal to x v naught. Sorry, work के लिए तो पहले मुझे x find out करना पड़ेगा. मोलर स्पेसिफिक ऑफ द गैस फॉर द प्रोसेस 2-3. ठीक है डी का आंसर हम दे सकते हैं पहले डी 2-3 का मोलर स्पेसिफिक हीट. ऑब्वियसली दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस सो सी इज इक्वल टू सी 2-3 इज इक्वल टू सी पी दैट इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन एंड गामा इज 5/3 आर अपॉन 5/3 माइनस वन सो इट दिस इज इक्वल टू 5 R/2 and so it is equal to 2.5 R. So D is the correct answer. अब C के लिए पहले तो मुझे B और C option के लिए work done by the gas in process 1-2. 1-2 के लिए आपको पहले area के लिए ये x चाहिए होगा तो पहले मुझे x find out करना पड़ेगा. The value of x पूछा जा रहा है B option में value of x पूछा जा रहा है. ये कैसे फाइंड आउट होगा हम फाइंड आउट कर चुके हैं डेल्टा यू
आई थिंक ये जो वैल्यू दे रखी है एल्जेब्रिक सम ऑफ गैस, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा Q12 प्लस डेल्टा Q23 दैट इज इक्वल टू 7.5 पी नॉट वी नॉट, ठीक है, ये मतलब निकलेगा, मॉड नहीं लगाना होगा। डेल्टा Q12 प्लस डेल्टा एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होगा डेल्टा Q12 प्लस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे वैसे, बट डेल्टा Q12 प्लस डेल्टा Q23 आई थिंक इट शुड बी 7.5 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। एंड तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड दैट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अगर हम 1 से 3 तक जाएं तो W13 में आप देख सकते हो डेल्टा यू की वैल्यू भी 7.5 पी नॉट वी नॉट है और टोटल हीट भी 7.5 पी नॉट वी नॉट है, सो वर्क जो है वो 1, 2, 3 का जीरो हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इससे आप एक्स की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो कि दैट मीन्स कि टोटल वर्क इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि 2 से 3 तक जो है वो नेगेटिव वर्क है और 1 से 2 तक एक्सपेंशन हो रहा है पॉजिटिव वर्क है। अगर दैट मीन्स के एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल शुड बी इक्वल, ये नेगेटिव वर्क ये पूरा एरिया आ जाएगा और पॉजिटिव वर्क यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि बल्कि ऐसा ही करते हैं क्योंकि इसमें फिर ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा भी देखा जा सकता था कि दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल इज सेम, तो इस दोनों एरिया को इक्वेट करके देखो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। जस्ट इक्वेट दिस एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम एक्स के टर्म में आएगा एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो अकॉर्डिंग टू दैट बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, एक्स की वैल्यू 4 मिलेगी। सिंपल ज्योमेट्री से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। एंड वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस 1, 2, अब 1 से 2 तक का वर्क अब आसानी से एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 4 एक्स की वैल्यू 4 है, सो 4 वी नॉट माइनस वी नॉट दैट इज 3 वी नॉट हाफ इंटू दिस प्लस दिस, सो इज पी नॉट प्लस 3 पी नॉट दैट इज 4 पी नॉट, सो इट बिकम्स 6 पी नॉट वी नॉट, एंड सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है H12 प्लस H12 टू HE23 इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर का पावर है 200 मेगावाट, इस पावर का रिएक्टर है, इसमें इस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी निकल रही है, इफ द एनर्जी फ्रॉम द अबव रिएक्शन यूज्ड विद अ 25% एफिशिएंसी, इसकी एनर्जी से यहां से जो एनर्जी निकलेगी 25% एफिशिएंसी उसकी है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्यूटेरियम फ्यूल विल बी नीडेड पर डे। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका 200 मेगावाट है, 200 इंटू 10 टू पावर 6 वाट हो गया, एक दिन में 24 घंटे हुए 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी जूल एनर्जी पर डे चाहिए, कितने ड्यूटेरियम से मिलेगा। अगर हम इस रिएक्शन की क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसको इक्वेट करो क्यू ऑफ दिस रिएक्शन और क्यू का 25% यूज हो रहा है, सो क्यू का 25% ये यूज हो रहा है, और ये 2 ड्यूटेरियम से, ये क्यू जो है वो 2 ड्यूटेरियम से आ रही है, सो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स न्यूक्लियस, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू का 25%, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ ड्यूटेरियम, एन इज द नंबर ऑफ ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम से इतनी एनर्जी निकली, सॉरी
क्यू बाई टू, एक ड्यूटेरियम से क्यू बाई टू निकलेगी। अगर आपके पास टोटल एन ड्यूटेरियम की रिक्वायरमेंट है, इंटू एन कर दो, इसका 25% इक्वल टू दिस कर दो, ठीक है। क्यू ऑफ दिस रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपके पास मास दे रखा है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एच वन टू इंटू टू माइनस मास ऑफ एच ई इंटू, आप कर दोगे 931.5 MeV, ठीक है। इसकी हेल्प से इस रिएक्शन की क्यू आ जाएगी एंड इट विल बी लाइक 3.82 इंटू 10 to power 12, थोड़ा यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये MeV यूनिट में है, ये आप AMU यूनिट में लोगे मासेस, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ड्यूटेरियम यूज हुए, एंड यू हैव टू फाइंड ग्राम्स ऑफ ड्यूटेरियम, तो n फाइंड आउट हो जाएगा, और n के बाद आप इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और फिर मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू ग्राम्स, मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर वेट ग्राम में होता है, तो फाइनल आंसर ग्राम में आ जाएगा, एंड इट कम्स अराउंड ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन 120.26 ग्राम वैल्यू आ जाती है। तो थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बेसिक आइडिया समझ में आ रहा होगा। इतना मेगावाट एक दिन में कितनी एनर्जी जरूरत होगी इंटू 24 × 3600, एक दो ड्यूटेरियम से क्यू एनर्जी निकली, क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक से होगा क्यू बाई टू, एन ड्यूटेरियम से 25% एफिशिएंसी के साथ इतनी एनर्जी चाहिए, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दिस इज नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एन डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर एन नॉट 6.02 × 10²³, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम, दैट विल गिव द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर फोर इज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इस तरह की पाइप है, दिस वेलोसिटी इज वी वन, एरिया इज ए वन, दिस एरिया इज ए टू, वेलोसिटी इज वी टू, दिस इज वी थ्री, एरिया इज ए थ्री। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी हम यूज कर सकते हैं, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, इधर से आड़े लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो दोनों के डिस्चार्ज को ऐड कर दोगे, ये डिस्चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें आप चेक कर सकते हो कि A2 अगर A3 के इक्वल हो जाए, A2 A3 के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों डिस्चार्ज इक्वल हो जाएंगे, एंड इन दैट केस 2A2 V2 और 2A3 V3 विल बी इक्वल टू A1 V1, सिमेट्री आ जाएगी, एंड सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, इट सेज A3 V3 इज इक्वल टू A2 V2, एंड A इज आल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज ऐसा कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। A2 इज इक्वल टू हाफ A1, A2 इज इक्वल टू हाफ A1 से A2 V2 इज इक्वल टू 2 A1 V1, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप चेक करके देख सकते हो, थोड़ा ये वन भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली B एंड C आर द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक सिचुएशन दे रखी है, दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक से एक पुली अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक है, और इसके एक पी एंड को हम पुल कर रहे हैं एफ इज इक्वल टू 2 N से, दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kg एंड दिस इज ऑफ 1 kg, ठीक है। ये एक डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, all the surfaces are smooth and the pulleys are massless and frictionless, pulleys and then choose, we have to choose the correct option. Acceleration of 1 kg block is 2 m/s². aap dekh sakte ho ki agar force 2 N hai to yahan 2 N ki force aa jayegi, iska weight yahan normal reaction aapas mein balanced honge aur is pe simply 2 N ki force lag rahi hai, 1 kg block hai, so its acceleration will be 2 m/s². so option A is correct option. Acceleration of 2 kg block is 1 m/s², obviously then it is not correct. C option says that acceleration of point P is 6 m/s². C option कह रहा है कि acceleration of point P, अब देखो P point का acceleration, इसका तो 2 हो गया,
अब हम एक काम करते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे कितनी फोर्स लगेगी, यहाँ 2 न्यूटन स्ट्रिंग में टेंशन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस पे देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स हो जाएगी वो 4 न्यूटन हो जाएगी। हम सिर्फ इसकी फोर्स डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इस पे, राइट, एंड सो दिस विल बी ऑल्सो मूविंग विद 2 m/s², सो दिस पुली इज मूविंग विद 2 m/s². इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पुली का 2 है और इधर से ये 2 है, ये हो जाएगा आपका 2 × this + 2, दैट इज इक्वल टू 6 m/s². इसके पुली का डबल प्लस दिस, कांस्टेंट रिलेशन से आप देख सकते हैं इसको, ये 6 m/s² आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज 2 एंड मास इज 2, सो नेट फोर्स विल बी मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए 4 न्यूटन, सो सी इज करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज लाइक 2D मोशन जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी गई है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज बीन प्रोजेक्टेड, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल को यूं प्रोजेक्ट करा गया, इट हैज मास m एंड चार्ज प्लस q। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एक्स वाई इज वर्टिकल, ये प्लेन एक्स वाई एक वर्टिकल प्लेन है, एंड यू हैव टू मार्क करेक्ट। इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E, दैट इज यूनिफॉर्म। द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी पैराबोलिक, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करके आपको पता है कि अगर एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा और उसकी एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी के वाली लाइन पे नहीं है और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ये 2D पैराबोलिक मोशन के लिए कंडीशन, जैसे इसका एक स्पेशल केस हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देख सकते हो इस पे जो फोर्स लगेगी, एक तो क्यू ही लगेगी लेफ्ट डायरेक्शन में और एक mg लगेगी। सो नाउ इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट थीटा, अगर इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस लाइन के अपोजिट हो जाता है, इन दैट केस इट्स मोशन विल बी लीनियर, अदरवाइज अगर ये इस लाइन पे नहीं है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, देन मोशन विल बी, दोनों कॉन्स्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगी, अगर वो इस लाइन पे नहीं है इन दैट केस द मोशन विल बी पैराबोलिक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी पैराबोलिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे हुआ तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा और फिर यूँ वापस आ जाएगा, यूँ जाएगा किसी मैक्सिमम पॉइंट तक वापस जाएगा, सेम एज मोशन इन द ग्रेविटी लाइक दिस, पार्टिकल ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली जी की जगह पे इस लाइन के अलोंग क्या आ जाएगा, √gA² + E² पार्टिकल यूं जाएगा यूं आ जाएगा, इफ mg एंड qe का रिजल्टेंट इस लाइन पे आ रहा है तो। सो द पाथ ऑफ द मोशन द पार्टिकल मे बी अ स्ट्रेट लाइन, बी इज करेक्ट। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल इज 2u sin θ / g, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आप देख सकते हो कि qe तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, अब हम इसको ऐसे देखें कि पार्टिकल के पास एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ax, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ay, मैक्सिमम हाइट अगर हम वर्टिकल मोशन देखेंगे तो ax दोनों एक्सिस का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो आप देख सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस qe का कोई इफेक्ट नहीं, सो मैक्सिमम हाइट विल बी सेम एज नॉर्मल प्रोजेक्टाइल 2u sin θ / g, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट रेंज कैन बी ग्रेटर दैन डी ऑप्शन, रेंज ऑफ द पार्टिकल कैन बी लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू u² sin 2θ / g। नॉर्मल जो रेंज होती है वो क्या होती है, अंडर प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी u² sin 2θ / g। अब इस फोर्स की वजह से रेंज उससे कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। देखो रेंज इक्वल और ज़्यादा कैसे होगा, हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये पार्टिकल को आपने यूँ फेंका, ये पार्टिकल यूँ जा करके ऐसे ये आगे तो जाएगी बट ये इसकी वजह से यूँ ऐसे वापस आएगी, वापस आने में यूँ आ करके यूँ आ सकती है, यूँ जा करके यूँ आ सकती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी यूँ आ जाएगी, तो ये रेंज जो है वो इधर, ये जो नॉर्मल रेंज होती फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा भी हो सकती है। सो इट इज़ कैन बी लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन
u squared sine 2 theta by g, d is also the correct option. Question number 15, a PV graph is given. ये एक पैराबोलिक पीवी ग्राफ है फ्रॉम ए टू बी. ए पे वॉल्यूम है वी ए और बी का वॉल्यूम है वी बी. वन मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस एन इज इक्वल टू वन मोल. मोनोटोमिक मीन्स गामा इज इक्वल टू 5/3 इज टेकन थ्रू द प्रोसेस. प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी अल्फा माइनस बीटा वी स्क्वायर. वी कैन सी दैट दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला. Alpha and beta are positive constants. Which of the following is correct statement regarding the given process? The temperature is maximum at V is equal to root under alpha upon 3 beta. Temperature maximum कितने volume पे होगी? तो ये simple differentiation से find out हो जाएगा. ये pressure दे रखी है. इस P को आप लिख दो RT by V और that is equal to alpha minus beta V square और इससे आपका आ जाएगा T will be equal to alpha V by R minus beta V cube by R. ऐसा कुछ आ जाएगा. अब dT by dV temperature is maximum at check करना है. So dT by dV that will be equal to dT by dV को अगर आप zero put कर दो तो ये आ जाता है V is equal to under alpha upon 3 beta. ठीक है. और आप देख सकते हैं कि ये T और V का जो रिलेशन है या एक काम करते हैं dT by dV डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लें. dT/dV स्क्वायर ये नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 6 बीटा V अपॉन R एंड दैट इज नेगेटिव. सो मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ए और बी ऑप्शन में से ए ऑप्शन करेक्ट होगा. बी में दे रखा है टेम्परेचर इज मिनिमम एट V इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा बाय 3 बीटा. इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है? इस V पे टेम्परेचर मिनिमम नहीं है बल्कि मैक्सिमम है. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस विथ वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट ए. मैक्सिमम एट ए. अब देखो dT by dV रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ वॉल्यूम. रेट ऑफ इंक्रीज dT by dV. dT by dV को अगर हम देखें ये dT by dV dT by dV कितना हो जाएगा? dT by dV is equal to dT by dV will be equal to alpha by R minus beta by R into 2 V square. आपको पता है अल्फा और बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं तो dT by dV की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये V मिनिमम होगा और V मिनिमम जो है वो पॉइंट A पे है. सिंपल सा फंक्शन आ रहा है dT by dV का. सो इट इज सेज दैट dT by dV इज मैक्सिमम एट A वेयर द वॉल्यूम इज मिनिमम. सो कौन कौन सा सही हो गया? ए सही था और सी सही हो गया. ठीक है. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस विद वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट वी इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा बाय बीटा. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट नो इट इज मैक्सिमम व्हेन द वॉल्यूम इज मिनिमम. सो इसलिए रूट अल्फा बाय बीटा पे नहीं होगा बल्कि ये ए पॉइंट पे होगा और ए पॉइंट पे ठीक है. व्हेन वॉल्यूम इज मिनिमम देन dT by dV विल बी मैक्सिमम. सी क्वेश्चन नंबर 8 इसमें जर्क से रिलेटेड है.
एक स्ट्रिंग स्लैट कंडीशन में है, इसको आप ये टू एम मास है, इसको भी स्पीड देते हो। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग विच इज इनिशियली स्लैक्ड एट वन एंड वन ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग द सरफेस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सब्सिक्वेंट मोशन। इनिशियल स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देखो एक की स्पीड वी है, अभी इसकी कोई स्पीड नहीं है, जीरो है। वी सी एम कितना होगा, टू एम वी प्लस जीरो अपॉन थ्री एम, सो टू वी बाई थ्री। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल, और इनफैक्ट इनिशियल ही नहीं बल्कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट रहेगी इस पूरे सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम आफ्टर द स्ट्रिंग गेट आउट। बी इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन, देखिए द लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट इज एम वी स्क्वायर बाई थ्री। देखो जैसे ही ये स्ट्रिंग टेंस्ड होगी सडनली दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, बल्कि इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इस पर एक बैकवर्ड इम्पल्स जनरेट होगा, इस पर एक फॉरवर्ड इम्पल्स जनरेट होगा, और इसकी वजह से दोनों की स्पीड्स इक्वल हो जाएंगी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, 2mv can be written as 3mv1, so v1 is equal to, in fact this is the velocity of center of mass. जब दोनों same velocity से जाएंगे तो that will be same as the velocity of center of mass. Loss of energy as heat find out कर लो, initial kinetic energy minus final kinetic energy, और check करके देख सकते हैं that will become mv squared by 3, so c option is also correct. Impulse due to tension on the blocks is, impulse इसका देख लेते हैं, इस पे जीरो वेलोसिटी थी, यूजिंग इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी मोमेंटम में कितना चेंज आया, m इंटू स्पीड v1, सो इट इज इक्वल टू 2mv बाय 3, एंड सो गिवन आंसर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड सी। अब ये दो पैराग्राफ्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के, और फिर 11 और 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा विदाउट फ्रिक्शन अबाउट अ वर्टिकल एक्सल विच गोज थ्रू द सेंटर। द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर इमर्स्ड इन द मर्करी in which the drag force is exerted on the ends of the wire as kv squared। ये मान लो कि ये रॉड है और ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है, एंड्स पे जो ड्रैग फोर्स है दैट इज इक्वल टू kv squared। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन लग रहा है, ड्रैग फोर्स पूरे रॉड पे ही लगनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इज ऑन द एंड्स, ठीक है, केवी स्क्वायर द सिस्टम वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट्स। अगर ये पूरे रॉड की लेंथ में एल गिवन है तो ये एल बाई टू हो जाएगा, ये एल बाई टू हो जाएगा, तो दिस वी विल बी इक्वल टू एल बाई टू इंटू ओमेगा। The system is in uniform vertical magnetic field. Current flows through the mercury tank and the axle. The total current is kept at a constant value I with the help of variable resistor. All ohmic resistances and air drag are negligible. देखो बहुत क्लियर कट क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, बट आइडिया थोड़ा सा लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आईटी के एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी, कि करंट जो है वो एक्सल के थ्रू आ रही है, फिर वो मरकरी में कंडक्ट होकर के फिर वापस वो एक्सल के थ्रू आएगी। तो एक आइडिया ये लग रहा है कि जो नेट करंट आई है वो यू जाएगी, आई बाई टू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये मरकरी के थ्रू कंडक्ट होकर के थ्रू एक्सल जो है फिर रॉड में आ जाएगी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस, द एंगुलर स्पीड ऑफ द वायर की वैल्यू ए और बी में चूज फाइंड आउट करनी है, और ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो बेसिकली ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दैट मींस के सिंपली अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा ना सोच करके टॉर्क इक्वेट कर दें, अगर ये ओमेगा से यूं रोटेट कर रही है, यूं करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं यूं मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क कैसे कांस्टेंट ओमेगा कैसे मेंटेन रहेगी। आप देख सकते हो कि आई एल बी, आई इसमें राइट डायरेक्शन में है, आई एल बी इस पे यूं लगेगा,
तो अगर हम एक मिड पॉइंट पे आई एल बी बाई टू, और सिमिलरली यहाँ पे इस पोर्शन में नीचे की तरफ आई एल बी बाई टू, आई एल बी बाई टू दोनों साइड के मिड पॉइंट्स पे लगा दें, तो आप देख सकते हो कि आई एल बी का मैग्नेटिक का टॉर्क और ये रेजिस्टिव फोर्स का टॉर्क, ये दोनों बैलेंस हो सकता है, और इस तरह से ये कॉन्स्टेंट ओमेगा मेंटेन होगी। सो नेट टॉर्क जस्ट जीरो करके, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, इसका टॉर्क हो जाएगा टू इंटू के वी स्क्वायर इंटू एल बाई टू, और इसका टॉर्क हो जाएगा आई एल बी बाई टू इंटू एल बाई फोर इंटू टू, एंड इट गिव यू द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर आई बी अपॉन टू के एल, एंड नाउ यू कैन फाइंड ड्रैग फोर्स, दिस वैल्यू ऑफ दिस ड्रैग फोर्स यू विल गेट आई एल बी बाई एट। इसमें हम वी की जगह पे एल बाई टू ओमेगा डाल देंगे, तो इसका स्क्वायर इंटू के कर दो, और यह एक काम करते हैं, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ के टर्म में आ जाएगी, के वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट आई एल बी बाई एट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें ऑप्शन हमें चूज करना है, When the wires rotate in magnetic field, the emotional EMF induced, आपको पता है जैसे इस वाले पार्ट में emotional EMF होगा, इस वाले में भी होगा, चूंकि magnetic field into the plane है और rotation यूँ है, तो VLB के according V इस portion की V ऊपर की तरफ होगी, तो VLB ये left जा रहा है, so this will be positive and this will be at higher potential, this will be at lower potential. उस तरीके से इस वाले में वी एल बी का थंब इधर जा रहा है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी लोअर पे है, तो ये और ये जो है ना सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और रोटेटिंग रॉड में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होता है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ये इमोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, तो दोनों लेंथ सेम है इसलिए दोनों एंड्स की पोटेंशियल डिफरेंस, इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी लोअर पे है, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा, जो कि लेंथ भी सेम है, सो दिस एंड दिस पॉइंट विल बी एट सेम पोटेंशियल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सल एंड ईच एंड, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें हम आर की वैल्यू डाल देंगे एल बाई टू, और ओमेगा की ये वैल्यू डाल देंगे, एंड यू कैन सी दैट ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द ईच एंड विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखो यहाँ से ये और ये, यहाँ से यहाँ तक की ईएमएफ और यहाँ से यहाँ तक की ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, so, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक जो ईएमएफ बन रही है दैट विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 11 to 12, इसमें पैसेज के अंदर वाई डी एस ई सेटअप डिस्क्राइब करी गई है, और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाई डी एस ई का सेटअप है, ये डिस्टेंस डी है, डी होती है, ये हाफ हाफ है, दिस इज स्लिट वन एंड दिस इज स्लिट टू, this distance is capital D. If a transparent thin sheet of refractive index mu and thickness T is inserted in front of the upper slit, यहाँ आपने एक slab डाल दिया, then what will happen? आपको पता है जब slab हम यहाँ डाल देंगे तो fringe pattern में upward shifting हो जाती है, and now you can choose the answer. मैक्सिमा मे बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, आप देख सकते हो जो नॉर्मल सेटअप होता है उसमें इस तरह की फ्रिंज पैटर्न बनती है, जब ये फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे फिर से कोई मैक्सिमा आ सकती है, पहले तो मैक्सिमा थी
हो सकता है कि ये मैक्सिमा यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मैक्सिमा मे बी फॉर्म एट द सेंटर ओ, द सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट फॉर्म एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. हम देखो डिस्प्लेस होने की वजह से ये जो मैक्सिमा है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ये स्लैब डालने के बाद ये पैटर्न ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट. मिनिमा मे बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है. अगर ये पैटर्न डिस्प्लेस हो रहा है तो हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो मिनिमा भी फॉर्म हो सकता है. सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इफ स्लिट्स आर आइडेंटिकल एंड थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट इज 5λ/2μ-1, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज 0. अब देखो शिफ्ट के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, डी टी, कैपिटल डी टी इंटू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई डी. अब इंटेंसिटी एट सेंटर जीरो कब होगी, जब शिफ्ट ये मिनिमा यहां पहुंच जाए या ये मिनिमा यहां पहुंच जाए. मतलब ये जो शिफ्ट की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा बाई टू और 3 ओमेगा/2 और 5 ओमेगा/2 एंड सो ऑन, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी. तो आप देख सकते हो कि ये इस वाले को अगर हम इक्वेट करें, डी टी इंटू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 5/2 इंटू लैम्डा डी बाई डी, इट विल गिव यू टी इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2 इंटू μ-1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11. तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हो गए. अब आइए नेक्स्ट पार्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसी YDSS सेटअप में अब क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12. In a modified YDSC setup, the source S of wavelength 5000 angstrom is kept in front of the lower slit at distance 1 meter and the slab of thickness T and refractive index 1.5 is kept near the lower slit. यहाँ पे 1.5 refractive index और 3 thickness की slab डाल दिया और source को हमने actual जो source है उसको यहाँ रखा है at distance D1 is equal to 1 meter. और ये डिस्टेंस कैपिटल डी दिस इज 2 meter. द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फॉर विच देयर इज मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, टी की मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट यहां पे मैक्सिमा बने. तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये लेंथ, फिर ये वेव यहां पहुंचेगी, फिर ये और ये. अगर हम स्लिट्स के आगे कंपेयर करें तो इन दोनों वेव की जो पार्ट डिफरेंस है, दिस पार्ट डिफरेंस इज ड्यू टू दिस स्लैब एंड दैट इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी. ये जो टी डिस्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू इनटू टी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस है कॉन्सेप्ट. अब देखो ये जो अपर वेव है बिफोर S1 एंड S2, अपर वेव ने लोअर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दिस डिस्टेंस इज मोर देन दिस. इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस देखो काफी लार्ज है और ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये स्मॉल डी होती है. अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन होता है एट फॉर अ जनरल पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज वाई, यहाँ से वेव आई, यहाँ से एक वेव आई. हम फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों का जो डेल्टा एक्स होगा वो डी वाई बाई कैपिटल डी होगा. ये डिस्टेंस स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी इससे बहुत छोटा होता है, इस अप्रोक्सीमेशन में हम ये फाइंड आउट करते हैं. इसी चीज़ को यहाँ यूज करो, ये सोर्स की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, आप एक विजुलाइज करो कि यहाँ एक स्क्रीन है, ऐसा ही सेटअप इस साइड है. जैसे यहाँ इस पे यूं जा रही है वेव, अब ऐसे सोचो कि दो स्लिट से वेव यूं आ रही है. अगर मैं कंपेयर करूं तो ये डिस्टेंस डी बाई टू ये वाई की जगह पे आ जाएगा और इन दोनों की जो पार्ट डिफरेंस होगी दैट विल बी डी इनटू वाई,
ये वाला वाई यूज कर लेंगे, डी बाई टू अपॉन इस कैपिटल डी की जगह पे ये कैपिटल डी वन यूज कर लेंगे। तो देखो अपर वेव ने लोअर के रिस्पेक्ट में बिफोर एस वन एस टू इतना ज्यादा ट्रेवल कराया, और आफ्टर एस वन एस टू लोअर ने अपर के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करा दिस। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं, इन दैट केस यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, या इन जनरल इन दोनों का डिफरेंस, ये जो आपका टी इन टू म्यू माइनस वन है माइनस डी इन टू डी बाई टू अपॉन कैपिटल डी वन, अगर ये एन लैमडा के इक्वल हो जाता है तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। एंड सिंस यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, सो इट विल सेटिस्फाई दिस टू बी जीरो। और इस तरह से अगर वैल्यूज दे रखी हैं और फाइंड आउट करोगे टी की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर आ जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इंटीजर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर वन इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एंड आई टू। देखो ये एक डिस्क है और दूसरे केस में ये दे रखा है, ये है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से है ये, यूं ये डिस्क है, ये सॉरी यूं है, ये पूरा सॉलिड है, फिर ये पूरा डिस्क का ये वाला पोर्शन, ये वाला ये रिमूव्ड है, ये रिमूव्ड है, ठीक है। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, और सेम मटेरियल है सो डेंसिटी, एक काम करते हैं इसका एक सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ले लेते हैं और सिग्मा के टर्म में कैलकुलेशन कर लें। दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। तो देखो इसमें तो हम फॉर्मूला लगा देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इसकी रेडियस है 2r और इसमें ये इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। तो एक काम करते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, इसके लिए आप क्या करो एक अलग से फॉर्मूला डिराइव कर लो, ये एक सेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है, इस तरह का अगर एक शीट दे दिया जाए जो डिस्क का एक पार्ट है, फॉर दिस थीटा विल बी इक्वल टू 2π, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से x रेडियस का एक आर्क लो ऑफ थिकनेस dx, इसका मास dm हो जाएगा सिग्मा इंटू x थीटा इंटू dx, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी dm इंटू x स्क्वायर, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। तो एक जनरल फार्मूला, ये r रेडियस का अगर सेक्टर है तो इसका आ जाएगा सिग्मा आर 4/4 इंटू थीटा, ये एक रिलेशन आप इसके लिए यूज कर सकते हो। अब जैसे पूरा डिस्क है तो थीटा 2π डाल दो और सिग्मा की वैल्यू डाल दो m अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड इट विल बिकम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क mr स्क्वायर बाई 2। तो देखो इसमें हम जैसे ये वाला पार्ट है इसके लिए ये फार्मूला यूज करें और एक ये वाले पार्ट के लिए यूज करें, ये ऐसा ऐसा 3 है और ऐसा ऐसा भी 1, फिर ये और फिर ये 3, इस तरह से इस अरेंजमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगी। और फिर जब आप इसका रेशियो लोगे तो I1/I2 आ जाएगा 32/17, और क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज इक्वल टू 2 to power n/17 एंड इट विल गिव n इज इक्वल टू 5।
नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. ये एक सेटअप दे रखी है. बेसिकली यहाँ एक साउंड सोर्स है. सोर्स यहाँ से जो वेव आती है वो एक इधर से जाएगी एक इधर से जाएगी इस ट्यूब के थ्रू, और फिर यहाँ एक रिसीवर है. बेसिकली इन दोनों साउंड का इंटरफेरेंस हो रहा है. इसमें ये वाला जो पार्ट है यहाँ कुछ अरेंजमेंट के थ्रू, ये वाला पोर्शन ये वेरिएबल लेंथ का है. इसकी लेंथ को आप वेरी कर सकते हैं, इसकी लेंथ फिक्स्ड है. तो इस तरह से जो वेव पहुँचेगी, ये वेव और ये वेव, उनका जो पार्ट डिफरेंस होगा उसको आप वेरी कर सकते हैं. तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अराइविंग एट द डिटेक्टर फॉर ईच ऑफ द टू पोजिशंस ऑफ बी. ये बी पार्ट है, इसकी दो पोजिशंस के लिए क्वेश्चन में रखा है. इट इज फाउंड दैट द साउंड इंटेंसिटी हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोवाट पर सीएम स्क्वायर. यहाँ जो इंटेंसिटी आ रही है आई की मिनिमम वैल्यू वो 10 यूनिट्स है, और उसी यूनिट में आई की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है दैट इज 90. एंड यू हैव टू फाइंड, समझ में आ रहा है, इस पार्ट डिफरेंस को इसको ट्यूब लेंथ को वैरी करके पार्ट डिफरेंस वैरी होगा, फेज डिफरेंस वैरी होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट डिफरेंस मिनिमम इंटेंसिटी 10 आ रही है और मैक्सिमम इंटेंसिटी 90 दे रखी है. द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स अराइविंग एट द डिटेक्टर फॉर ईच ऑफ द टू पोजिशंस ऑफ बी. रिलेटिव एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जा रहा है. आपको पता है कि आई की जो मैक्सिमम वाई आई मिनिमम, इसको आप लिख सकते हो आई मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा दैट इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर. ये रेशियो आ जाएगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए वन प्लस ए टू, मिनिमम इज ए वन माइनस ए टू. तो और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, और ये रेशियो आपका आ गया 9. सो इसकी हेल्प से हम ए वन और ए टू का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट बिकम्स 2/1. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर फ्रॉम स्टेशनरी वेव. फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड द सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रेजेंस फ्रीक्वेंसी. देखो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज ये दे रखी है 510 680 850 हर्ट्स. ये कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द पाइप. एंड ओपन एंड बोथ एंड है, दैट मीन्स के एन वी अपॉन 2L इज इक्वल टू 510 680 850. ये सब इस तरह से होंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, और v की वैल्यू है 340. सो n बाई l की वैल्यूज आ जाएंगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और इससे आप गेस कर सकते हो कि l की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं. सो l की वैल्यू 2/1 होने चाहिए. अगर आप कोई और वैल्यू लोगे तो वो n का ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं होगा. सो इट गिव्स यू n इज इक्वल l इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 4. ये एक लेंस और मिरर का क्वेश्चन है. अ सेट ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द बाई कॉन्वेक्स लेंस. इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 115 सेंटीमीटर, एंड दिस एफ टू इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी होगी. ये डिस्टेंस दे रखी है एक्स. अ सेट ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द बाई कॉन्वेक्स लेंस. बाई कॉन्वेक्स लेंस पे ये पैरेलल रेज आ रही हैं. इफ आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस एंड वन रिफ्लेक्शन फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज 15 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस. फाइनल सेंटीमीटर इससे 15 सेंटीमीटर लेफ्ट है. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इस x/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
फिर इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस पे पैरेलल रेज आ रही है, दैट मीन्स कि आफ्टर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस ये इसके फोकस पे कन्वर्ज करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रहा है। दैट मीन्स कि जब ये लाइटर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, वो जो इमेज होगा रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आएगी वो फिर इसके पैरेलल हो जाएंगे, तभी जा करके ये इधर 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर सकती है। इसकी फोकल लेंथ 15 है, इधर से आने वाली रे यहाँ से 15 पे तब कन्वर्ज करेगी जब वो रे इधर से पैरेलल आ रही है। अच्छा, वो तब हो सकता है जब ये यहाँ से जो लाइटर रिफ्लेक्ट करके मिरर पे फॉल करेगी और मिरर पे फॉल करने के बाद यहाँ इमेज बनाएगी, फर्स्ट इमेज। दिस शुड लाई ऑन द फोकस ऑफ दिस, क्योंकि जब ये पॉइंट इसके लिए फोकस होगा तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल हो जाएंगे और फिर ये पैरेलल रेज इसके फोकस पे इमेज बना देगी। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ दिस एंड दैट दिस डिस्टेंस इन द क्वेश्चन इट इज 15 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि इस लेंस की जो इमेज है वो इसके इसके फोकस पे है और इसकी फोकस कितनी है 21, इसकी फोकस है फोकल लेंथ है 21 और ये टोटल एक्स है और ठीक है। तो दैट मीन्स दिस एक्स इज, ये डिस्टेंस जब 21 है और ये डिस्टेंस हो गया 15, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 36 और हमें चाहिए x बाय 4, सो x बाय 4 विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक सर्किट का क्वेश्चन है। ये सर्किट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 वोल्ट, इस ब्रांच की करंट है आई वन, 25 ओम, 5 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, यहाँ पे है ये, दिस इज 10 वोल्ट, 10 ओम, इस ब्रांच की करंट है I2, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड रेशियो I2 बाई I1, I2 और I1 का रेशियो फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ऐसे देखे तो बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं इसके अंदर, इन दोनों करंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें नोडल मेथड ट्राई करें, क्योंकि आप देख सकते हो कई सारे लूप्स हैं तो ऑब्वियसली लूप मेथड से सोच पे जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत लेंदी हो जाए। अब इसको नोडल एनालिसिस से ट्राई करो, इसकी करंट देखिए काम करते हैं हम, इस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान लो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, कहीं यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आ जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है। फिर ये पॉइंट भी 30 पे हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, ये जीरो पे है तो दैट विल बी 30 माइनस 5, तो 30 माइनस 5 इज 25 एंड 25 बाई 25 This is 1 ampere. उसी तरीके से ये जब 0 पे है, ये 20 पे है, अब आ जाओ ये पॉइंट भी 20 पे होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट 30 पे है, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये भी 30 वोल्ट पे होगा। अब इसके अक्रॉस देखो 30
30 माइनस 5 माइनस 20, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का दिख रहा है, दैट मीन्स कि दिस करंट इज ऑल्सो 1 एम्पियर, फिर इन दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। ए है, यहाँ एक की लगा दी रही, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। ऑल द वायर हैव सेम रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 9 ओम। अभी ये दोनों कीज ओपन है और इक्विवेलेंट है 9, सारा डिस्टेंस आर आर मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है ये एक वी टेस्ट ब्रिज है जो कि बैलेंस कंडीशन में सारे डिस्टेंस इक्वल है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो दैट मीन्स कि ये दोनों सीरीज में होगा, 2R 2R, इसका पैरेलल R बन जाएगा और R R R सीरीज, दैट मीन्स के 3R इज इक्वल टू 9, अभी इक्विवेलेंट 9 दे रखा है, दैट मीन्स के ईच रेजिस्टेंस इज 3 ओम। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द कीज आर क्लोज्ड। इस कीज को क्लोज करने के बाद देखो ये जो है क्लोज कर दिया, ये एक वायर की तरह बन जाएगा, इसको क्लोज करने से ये एक वायर की तरह बन जाएगा। अब देखो ये तीनों डिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये हो गया आर 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 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1, और ये फिर आर आर इन सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 3 बिकम्स 7 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट इज √6/11g, जी डैश इज इक्वल टू √6/11 टू जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 2/3 टाइम्स द दैट ऑफ अर्थ, रो ऑफ प्लैनेट इज 2/3 इंटू रो ऑफ अर्थ। इफ द एस्केप स्पीड ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज v is the escape speed and from earth is 11 km per second, you have to find the escape speed from surface of the planet, v from planet is what, ye hame find out karna hai। escape speed ki formula kya hota hai, √2gr pata hai aapko, aur iski help se hum ratio dekh lete hain। to v escape for earth divided by v escape for planet, that will be equal to √2 into g earth surface into r of earth, that divided by 2g of planet into r of planet। अच्छा ये जो g होता है that is equal to gm/r². इसको अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें so g into 4/3 pi r cube into rho upon r square, so this g is proportional to rho into r, g is proportional to rho into r। तो अगर हम ये रेशियो लें तो ये हो जाएगा √√r(r)(r)² r square, ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो गया, और जी पी इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू जी इज प्रोपोर्शनल टू रो, सो रो इन रो ऑफ प्लैनेट इंटू आर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड एस्केप स्पीड, एक मिनट नहीं, क्वेश्चन में जी का रेशियो दे रखा है, ऐसा करते हैं आर विल बी प्रोपोर्शनल टू जी बाई रो, ये यूज कर लेते हैं। तो ये जी का
जी का रेशियो हो गया एक जी ई बाई जी पी, जिसकी वैल्यू ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज जी ई एंड दिस इज जी पी रूट 6/11 टाइम्स, और ये आर आर ई बाई आर पी, इसको आप जी और रो के रेशियो में लिखोगे तो ये इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी अगेन जी ई बाई जी पी इंटू रो, नीचे में आ रहा है सो इट विल बी रो पी अपॉन रो ई, ये हो जाएगा. और रो पी अपॉन रो ई की वैल्यू 2/3 दे रखी है, जी का रेशियो दे रखा है, सो ये सारे रेशियो यहाँ यूज कर लो. और क्वेश्चन में ये वी ई की वैल्यू 11 दे रखी है एंड सो यू विल गेट वी पी इज इक्वल टू 3. ठीक है सर, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज द क्वेश्चन ऑन एरर एनालिसिस. द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाई, डायोड की एक रिलेशन यूज करी जा रही है ई टू पावर, ऐसे कोई भी जनरल रिलेशन दे करके एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाई टी माइनस 1 मिली एम्पियर. कोई भी आर्बिट रिलेशन पे एक एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये डायोड से रिलेटेड एक रिलेशन है, इस पर पूछ लिया गया. वेयर द अप्लाइड वोल्टेज इज वी इन वोल्ट्स एंड टेम्परेचर इज टी, ये वी वोल्टेज है और टी टेम्परेचर है. अ स्टूडेंट मेक्स एरर मेजरिंग पॉइंट 0.0 वोल्ट व्हाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर. ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा वी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट्स, और उस समय करंट की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन. द एरर इन वैल्यू ऑफ करंट डेल्टा आई की वैल्यू है 0.0 ईटा इन मिली एम्पियर एंड यू हैव टू फाइंड ईटा. डेल्टा वी दे रखा है, उस समय आई और टी की वैल्यू दे रखी है और ईटा की वैल्यू पूछी जा रही है. तो आपको पता होगा कि कोई भी रिलेशन में अगर मुझे एरर कंबाइन करना है यू विल ट्राई टू यूज डिफरेंशिएशन, और ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल टाइप का रिलेशन है. देखो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख दो आई प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू पावर 1000 वी बाई टी, और फिर आप लॉग ले लो, लॉग आई प्लस 1, इस लॉग आई प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1000 वी बाई टी, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा डी आई अपॉन आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 बाई टी डी वी. और फिर इन सारी वैल्यूज को पुट करके डी वी दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, यू विल गेट डी आई इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर, सो ईटा इज इक्वल टू 2. So this is the end of discussion and hope it will benefit you. Thank you.